हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन मैथ्स लेसन विद दिस टू टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। दिस वन में दिया है सेरिब्रम, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस एंड मिडब्रेन। ठीक है, सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। और जब हम सेरिब्रम की बात करते हैं तो यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स और अपर इनर पार्ट होता है। ठीक है, तो जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम को एक लॉन्गिट्यूडनल डीप क्लेफ्ट डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में। और ये हेमिस्फेयर्स कनेक्टेड रहते हैं किससे? ये हेमिस्फेयर कनेक्टेड रहते हैं ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर से, जिसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये कॉर्पस कैलोसम है। यहाँ की तरफ बाहर जो लेयर मिल रहा है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और सेरिब्रम में है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह देते हैं। ये इनर पार्ट है सेरिब्रम का। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ना ग्रे अपियर होता है। ग्रे क्यों अपियर होता है? यहाँ पे सेल बॉडीज कॉन्सेंट्रेटेड मिलते हैं, ग्रे मैटर बोल देते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिल रहा है। और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो की रोल प्ले करता है इन मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है? साइट ऑफ इंटेलिजेंस, इसके लिए करेक्ट मैथ बन जाता है। सेरेबेलम, सेरेबेलम आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट है ना। हाइंड ब्रेन में आप पढ़ते हैं पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुलोब्लोंगेटा। सेरेबेलम आपके बॉडी पॉस्चर को मेंटेन करता है, बैलेंसिंग में हेल्प करता है, तो यहाँ पर करेक्ट मैच हो जाता है, मेंटेन्स बॉडी पॉस्चर। हाइपोथैलेमस आप फोर ब्रेन में पढ़ते हैं, थैलेमस के बेस पर लाई करता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करता है, वो हॉर्मोन क्या करेंगे? कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी को। ठीक है, फिर दिया है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है कंट्रोल करता है विजन एंड हियरिंग को। ओके, मिड ब्रेन में आपको फोर लॉब्स मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कह देते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। ओके, और मेड्यूला में आप जानते, और यहाँ पर और क्या देखते हैं मिडब्रेन में? मिडब्रेन में ये कंट्रोल करेगा विजन और हियरिंग को। यहाँ पर इसके लिए करेक्ट मैच हो जाता है सेकंड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है। मिडब्रेन जो होता है ना वो रिसीव करता है इंटीग्रेटेड विजुअल और टेक्टाइल ऑडिटरी इनपुट्स, तो इसीलिए इसका रोल दिखाया जाता है विजन और हियरिंग में। तो यहाँ पर ए के लिए करेक्ट मैच है फोर, बी के लिए थर्ड, सी के लिए वन, यहाँ सेकेंड दिया है, फोर्थ में दिया फोर थ्री वन, और डी के लिए सेकेंड। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, हम इसको करेक्ट लेकर चल रहे थे। करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन डी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 236 पर गिवन है। थैंक यू।